बड़ी खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां रोहतास के सासाराम के करीब बड़ा रेल हादसा हुआ। आपको बताते चले कि गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलखंड के सासाराम और ढेरी ऑनसम स्टेशन के बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास अपलाइन की महाबोधि एक्सप्रेस 12397 ट्रेन का कपलर अलग हो जाने से बड़ा हादसा टल गया। बता दे कि ढेरी ऑनसोन से जब ट्रेन सासाराम की ओर बढ़ी, उसी बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास महाबोधि एक्सप्रेस का S8 और S9 कोच का प्रेशर पाइप अलग हो गया, साथ में उसका कपलर भी खुल गया, जिस कारण दो कोच ट्रेन से अलग हो गई। लेकिन ड्राइवर और गार्ड के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान लगभग 35 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। बाद में अभियंत्रण विभाग ने ट्रेन के सफर को ठीक ठाक किया। इसके बाद ट्रेन आगे की ओर रवाना हो गई। इस प्रकार इस घटना में कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चूंकि इस लापरवाही की रेल प्रशासन जांच कर रही है, सूचना के बाद RPF और GRP की टीम भी मौके पर पहुंची। GRP के थाना अध्यक्ष मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन खान ने बताया कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। महाबोधि एक्सप्रेस का बोगी टूट गया है, दुर्घटना से बार बार बची। चलते चलते।